दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरे कागज़ नगर वासियों को। मैं आपका दोस्त कौशिक लेकर के आया हूँ कागज़ नगर के लिए कुछ खास इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों अभी 9 बज रहे हैं सुबह के और तारीख है 26 अक्टूबर 2024, शनिवार का दिन है। और आज क्या क्या अपडेट्स रहेंगी ट्रेन से जुड़ी हुई, पहले वो बता देता हूँ। सिरपुर और भद्राचलम जाने वाली रामगिरी सिंगरेनी एकदम करेक्ट टाइम पर चल रही है दोस्तों। वहीं आपको अगर नागपुर झांसी होते हुए कानपुर के तरफ जाना है तो आपके लिए एक स्पेशल ट्रेन है। आज ट्रेन का नंबर है 04122 सूबेदारगंज स्पेशल। ये जो है सुबह 10 बजे आपको कागज़ नगर स्टेशन पे मिलेगी। आज भी करीमनगर पुष्पुल कैंसिल है। इंटरसिटी और कागज़ नगर एक्सप्रेस अपने टाइम पे चल रहे हैं। भाग्यनगर का तो आपको पता ही है, लेट सेट कभी भी आती है कभी भी जाती है। वहीं बात करूँ सिंगरेनी की जो बल्लारशाह के तरफ जा रही है दोपहर 1 बजे आएगी। अच्छा, आपको बॉम्बे जाना है तो आज एक आपके लिए स्पेशल ट्रेन है दोस्तों दोपहर के 2 बजे। ये अभी काजीपेट से छूट करके जो है मुंबई की तरफ जाएगी। कागज़ नगर में इसका स्टॉप है, इसके बाद ये बल्लारशाह आदिलाबाद से होते हुए जो है नांदेड़ जाएगी, उसके बाद औरंगाबाद जाएगी, फिर मनमाड़ जाते हुए ये ट्रेन जो है दादर की तरफ पहुँचेगी। इसमें आप करंट बुकिंग करवा सकते हैं। इसी तरीके से 07003 पटना एक्सप्रेस जो है सिकंदराबाद से आ रही है। मोस्टली गाड़ियों को दानापुर में ही रोक लिया जाता है, लेकिन ये गाड़ी दानापुर के और आगे पटना रेलवे स्टेशन तक जाएगी दोस्तों। 3 बजे के करीब ये ट्रेन जो है कागज़ नगर पहुंचने वाली है। इसके अलावा बता दूं 17008 दरभंगा सिकंदराबाद 1:30 बजे टाइमिंग था, लेकिन ये लेट सेट जो है 3:30-4 बजे कागज़ नगर आ रही है। इससे आपका कोई गांव से आने वाला है तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट मैंने अपडेट बता दिया। वहीं 20806 हमारी एपी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से विशाखापट्टनम जाती है, ये भी लेट से चल रही है। ये शाम को 6 बजे कागज़ नगर आने की उम्मीद बताई जा रही है दोस्तों। मैंने जो रिपोर्ट बताई है ये अभी तात्कालिक रूप से बताई है। अगर आप लोगों को परफेक्टली जानना है आपकी ट्रेन कहाँ है क्या है तो आप ट्रेन नंबर्स मैंने बता दिए हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। और स्पेशल ट्रेनों का तो आपको पता ही है, कोई टाइम टेबल नहीं होता, ये कभी भी कागज़ नगर आ सकती है और कभी भी आपको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा सकती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के मौसम के अपडेट पे। आज कागज़ नगर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी क्योंकि दाना नाम का एक तूफान जो है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराया है, जिसके वजह से कागज़ नगर में आज टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है। 32 डिग्री टेम्परेचर जो है दिन में रहेगा और 24 डिग्री टेम्परेचर शाम में रहेगी, तो ठंड थोड़ी कम हो गई है। दाना चक्रवात का जब इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ठंडी बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों कागज़ नगर के हेडलाइंस की तरफ। हाथी से बचाव के लिए बन गई कमिटी, जानवरों से रोड हुआ जाम, विरोध प्रदर्शन अब भी जारी, दिया बनाने वालों के घर आई खुशी, वाइन शॉप्स में हो रही है चेकिंग, धरने पर बैठ गए बेजूर के किसान, महाराष्ट्र बॉर्डर पर कड़क चेकिंग हो रही बताया एसपी साहब ने, स्कूलों के पास प्लेग्राउंड ही नहीं, सीसीआई का खरीदी सेंटर खोलने का काम हुआ शुरू। तो ये थे दोस्तों कागज नगर के हेडलाइंस, इनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आज रात के कागज नगर के समाचारों में। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ नेशनल हेडलाइंस को देख लेते हैं। बाजार में धनतेरस की चमक शुरू हो गई है। इसके अलावा इसराइल ने इस बार किया है इराक पर धमाका, तिकरित और समारा नाम के गांवों में जो है एयरबेस ये नष्ट कर दिए गए हैं, कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली बदलाव हुआ है, पुणे में जो टेस्ट मैच चल रहा है भारत का उसमें भारत की हालत पतली देखने को मिल रही है, न्यूजीलैंड यहां जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी समर्थक हमें पूछ रहे हैं कि क्या होगा भैया अगर भारत हार जाए तो, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से हार बाहर आए, नहीं आएगा, इतना ख़राब हालत भी भारत का नहीं है। अच्छा, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पकड़ा गया 15वां आरोपी, इसको किया गया है लुधियाना से गिरफ्तार। आज ही के दिन भारत में मिला था कश्मीर, राजा हरि सिंह ने साइन किए थे विलय पत्र, FSSAI की नकली घी पर हुई कड़ी नज़र, महाराष्ट्र सीट आवंटन से राहुल गांधी नाराज, चंद्रपुर वरोरा और बल्लारशाह के सीटों पर अब भी सस्पेंस,
पद यात्रा पर निकले केजरीवाल, दिन दहाड़े हो गई इनकी पिटाई, बीजेपी पर पिटाई का लगाया आरोप। अच्छा, बीजेपी वाली महायुति में भी 8 सीटों को लेकर चल रहा है पेंच, इसमें चंद्रपुर, राजुरा और गढ़चिरौली की सीटों को लेकर बढ़ रहा है टेंशन। तो दोस्तों, ये थे कागजनगर के कुछ खास इंपॉर्टेंट अपडेट्स गुड मॉर्निंग कागजनगर के इस रैपिड फायर एपिसोड में। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और जो है वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए कागजनगर के दोस्तों तक, ताकि सुबह सुबह कागजनगर के कुछ इंपॉर्टेंट फटाफट अपडेट उन तक पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों रात को कागजनगर के लोकल वीडियो में, जिसमें आपको सारी न्यूज़ जो है विस्तार से बताऊँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, हैव ए नाइस डे।